देखिए रायबरेली में जिसको आप विपक्ष कहते हैं वो विपक्ष नहीं है, विपक्ष जिसके सहारे खड़ा हुआ है ये आप हम सब लोग भली भांत रायबरेली वासी हैं जानते हैं। विपक्ष का मतलब आपका ताल्लुक कांग्रेस से है, कांग्रेस अपनी बदौलत यहाँ सांसद कभी नहीं बन पाई है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सहारे यहाँ सांसद पहुँच पाती रही हैं, संसद पहुँच पाती रही हैं। और अगर वो अपनी हैसियत समझे तो मैं नहीं समझता कि जब भी गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ा है, सपा बसपा ने समर्थन नहीं दिया है, उस समय 40-50 हजार वोट से अधिक रायबरेली जनपद में कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं मिला है, इसलिए रायबरेली में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। आरोप लगाने वाले जो लगा सकते हैं लगाएं, मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं कि विपक्ष का होना, आलोचना का होना आवश्यक है। आलोचना ही हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, आलोचना हमको गलत रास्ते पर नहीं जाने देती है, इसलिए मैं आलोचकों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आलोचना करें। लेकिन ये याद रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर 10:30 बजे रेल कोच के मैदान में जितनी सभा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के माध्यम से हुई है, उतनी भीड़ कांग्रेस के सहयोगियों से रायबरेली जनपद में कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों से अपने नेता की बुला लेगी, तो निश्चित तौर से मैं अपने पद और उससे इस्तीफा दे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्हें ना तो कांग्रेस का इतिहास तो पता नहीं है, वो तो बिजनेस करने आए थे कांग्रेस पार्टी में, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई उनका बिजनेस अब दूसरी जगह चला गया। अब भाजपा की सरकार है तो वहाँ बिजनेस करेंगे। कल कांग्रेस में भी रह करके इन्होंने यही कहा था कि इस पार्टी में तो हम तिरंगे में लपेट करके जाएंगे, और एक हमारी माँ है, दूसरी जो यहाँ की सांसद जी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, दूसरी माँ वो हैं, तो ये उन्होंने भाषण दिया था। तो ये कहने लग, ये अवसरवादी लोग हैं, और अवसर अवसर पे इन्होंने सपा में भी, बसपा में भी रहा, कांग्रेस में रहे, भाजपा में गए, आगे जो दूसरे दल बचे हैं आने वाले समय में अगर उनकी सरकार आएगी तो उसमें जाएंगे, नहीं फिर कांग्रेस का दरवाज़ा देखेंगे। सपा बने कितने दिन हुआ, बसपा बने कितने दिन हुआ, और इसके पहले 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गया है। अगर ऐसा होता तो उसके पहले कैसे कांग्रेस जीतती रही है? कांग्रेस ने तो एक छत्र केवल 7 साल छोड़ करके रायबरेली में कांग्रेस का ही एमपी रहा है, तो इनको इसका मतलब इतिहास नहीं पता है दूसरी पार्टियों का या कांग्रेस का। और मैं तो यही कहता हूँ सीधे, इसीलिए इन्होंने इस तरह की बात किया है, और मैं चुनौती देता हूँ आने वाले समय में कांग्रेस जीतेगी और इतने मतों से जीतेगी जितने रिकॉर्ड मतों से आज तक जीती नहीं है। यहाँ की जनता बताएगी रायबरेली के उनको, और इनको सबक सिखाएगी रायबरेली की जनता।